आई अखियां फेरिया तो बैरी मुल्क तमाम, टुक एक नजर हो मेहर की तो लाखों करे सलाम। हे शिवशंकर, हे भस्म रमाने वाले, महाकाल का विकराल रूप धारण करके दुश्मनों को मारने वाले, अपने भक्तों को उतारने वाले महादेव महेश, हमारी भी नैया पाल लगा दे। वो जरूर लगाएगा माँ। अरे ये सज सजाकर कहाँ जाने का इरादा है? परदेश। सुंदर, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? बहुत सोच विचार कर मैंने ये फैसला किया है माँ, और मुझे पूरा पूरा यकीन है कि मेरी दिलेर माँ इस फैसले पर अपना आशीर्वाद देगी। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है। पहले ये तो बता कि देश ने तेरा क्या बिगाड़ा है जो इससे मुंह मोड़कर परदेश जाने की ठानी है? माँ पहले तू मुझे बता कि देश में रहने से किसका भला हुआ है जो मेरा होगा? पगले, देश माँ की गोद के समान है। माँ की गोद में बच्चे को जो सुख शांति मिलती है और कहाँ मिल सकती है इस संसार में? कहीं भी नहीं मिल सकती माँ, इस संसार में तो क्या, स्वर्ग में भी नहीं। लेकिन वो गोद सगी माँ की हो तब, वरना आग लगे उस सौतेली माँ को। अब मतलब की बात कही ना, इसीलिए तो मैं परदेश जा रहा हूँ। जिस देश में इंसान को इज्जत न मिले, सुख न मिले, शांति न मिले, उस देश को सौतेली माँ की गोद समझकर छोड़ देना ही अच्छा है। माँ, इज्जत उसे मिली जो वतन से निकल गया, वो फूल सर चढ़ा जो चमन से निकल गया। मेरे लाल, अगर अपनी भलाई इसी में समझते हो तो जाने से पहले महाकाल से आज्ञा ले लो। माँ, विदा होने से पहले मैं एक भेद जानना चाहता हूँ। वो क्या मेरे लाल? इन सात दियों का भेद। इनमें से छह हमेशा बुझे रहते हैं और एक जलता रहता है, ऐसा क्यों? ये तुम्हारे पुरखों के प्राण दिए जो उनके मृत्यु के साथ बुझ गए, और ये जो जल रहा है ये तुम्हारा, इसी के सहारे तो मैं जी रही हूं। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिस रोज ये बुझ जाएगा उस रोज मैं ऐसे अपशकुन जबान से ना निकालो। हे महाशक्तिमान महाकाल, भूपत कुल का एक अनाथ बालक आपसे विदा मांगने आया है। हे कुल देवता, आपके साक्षी में प्रतिज्ञा लेता हूं कि अपने कार्य में सफल होते ही माँ की सेवा में हाजिर हो जाऊंगा। दुहाई है, दुहाई है महाराज जी, दुहाई है। अन्नदाता, लुटेरों ने हम पर बड़ा जुल्म ढाया है, मार धार करके हमारी सारी पूंजी लूट कर ले जाते जाते गांव में आग लगा गए महाराज। नन्हे नन्हे बच्चे भूख और प्यास से तड़पते और बिलकते भगवान के भरोसे छोड़कर आपके चरणों में आए हैं महाराज। हमारी रक्षा कीजिए महाराज। राम जी, सेनापति जी, सुनते हो ये क्या कह रहे हैं? ये रोना धोना बंद करो और उन लुटेरों का कोई अता पता बताओ ताकि उन्हें ढूंढकर न्याय के अधीन किया जाए। उनका कोई ठिकाना नहीं, पांच भाइयों के नाम से मशहूर है। सेनापति, तुम्हारी सेना कहां मर गई? जब तुम सिर्फ पांच डाकुओं से प्रजा को नहीं बचा सके तो लाखों शत्रु से देश को कैसे बचा सकोगे? अन्नदाता, वो तो हम ही उचित पसंद नहीं करते। सात दिन के अंदर अंदर उन डाकुओं को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने पेश किया जाए, और साथ ही हम ये ऐलान करते हैं कि जो शख्स उन डाकुओं को जिंदा या मुर्दा हमारे सामने हाजिर करेगा उसे 10,000 अश्व के इनाम दी जाएंगे। महाराज, मैं सेना लेकर नहीं जाता, चंद सिपाही लेकर चालाक को चालाकी से मारूंगा। जैसी तुम्हारी मर्जी। Bye.
कुमारी जी, महाराज ने आपको याद किया है। पिताजी ने सुबह सुबह महाराज ने क्यों याद किया है? वही बात होगी। कौन सी? शादी कर लो। मैंने सुना है चंद राज कुमारों की तस्वीरें आई हैं, शायद वो आपको दिखाना चाहते होंगे। अच्छा, चलते मुसाफिरों को लूट के शर्म नहीं आती। मुसाफिरों को नहीं, धन वालों को लूटते हैं। और ये रामगढ़ का नगर खेत। अच्छा जी, और आप लोग कौन? आपने नहीं पहचाना? अब वो है जिनके सर के लिए शामगढ़ के महाराज ने 10,000 अशरफी इनाम रखी है। खैरियत चाहते हो तो हमारे रास्ते से हट जाओ। अच्छा, कोई और होता तो आपके रास्ते से हट जाता, लेकिन आप तो बहुत बड़े लोग हैं, आपके रास्ते से नहीं हट सकता। क्या देखते हो? पकड़ के। इतने अरसे में इन तस्वीरों में से अपना जीवन साथी पसंद कर लो।
वरना महामंत्री के पुत्र शेर सिंह से तुम्हारा विवाह कर दिया जाएगा। पिताजी, मेरा फैसला और तुम्हारे पिताजी का एक ही फैसला। माताजी, क्या ये वही डाकू हैं जिनकी वजह से शामगढ़ के तमाम रास्ते बंद हो गए थे? महाराज, इन बदमाशों पर फतह पाने के लिए मुझे क्या क्या दुख उठाने पड़े ये मेरा ईश्वर ही जानता है। हम भी जानते हैं सरकार। तुम क्या जानते हो? यही कि आपकी तलवार के साथ हमारी तलवार भी दुश्मनों को साफ कर रही थी। क्यों भैया? हाँ भैया, बेशक तुमने और सेनापति जी ने शामगढ़ के साथ से बहुत बड़ी मुसीबत को दूर कर दिया, इसलिए सेनापति के साथ साथ तुम भी इनाम के हकदार हो। प्रधान जी, 10,000 अशरफियां सेनापति को और 8,000 अशरफियां इन बहादुर सिपाहियों को अभी मिल जाना चाहिए। जो आज्ञा महाराज। ठहरो। तुम कौन? ये कौन? मैं एक गरीब राजपूत हूँ जो नौकरी की तलाश में घर से निकला और इन डाकुओं ने तुम्हें रास्ते में लूट लिया, यही कहना चाहते हो ना? अब शामगढ़ के रास्ते से ये खतरा हमेशा के लिए मिट गया है। अच्छा जी, ये सब कौन है? वही डाकू जिनकी वजह से शामगढ़ के तमाम रास्ते बंद थे। अब आप आग बंद कर कर आ जा सकते हो। कह चुके तुम लोग, इनके बारे में तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, क्यों भैया? हाँ भैया। अब तुम चुप होने का क्या लोगे? ये तो कोई मालदार भिखारी मालूम होता है। जरूर कुछ दाल में काला है। महाराज, ये डाकू जंगल में एक बूढ़े मुसाफिर पर हमला करना चाहते थे। छोड़िए इस किस्से को, गरीब मुसाफिरों पर हमला करने वाले खुद आज तुम्हारे चरणों में पड़े हुए। काम के न काज के, ये सब मिट गए दुश्मन अनाज के। क्यों भैया? खूब, एक बोलता है दूसरा निभाता है। महाराज, फरियादी को फरियाद करने का मौका दीजिए। हाँ नौजवान, तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, उस बूढ़े मुसाफिर को बचाने के लिए मैंने अपनी तलवार खींची और इन डाकुओं को मैंने मारा है। क्या कहा? तुमने मारा? सेनापति जी तो कहते हैं कि हमने मारा। प्रधान जी, सुना आपने? नौजवान, इन डाकुओं को मारने का तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबूत? प्रधान जी, अपने सेनापति जी से पूछिए, इनके नाक और कान कहाँ हैं? महाराज, इनके नाक और कान दोनों गायब। तुम बता सकते हो कि इनके नाक और कान कहाँ हैं? हैं? इनके नाक और कान? नाक और कान काटकर हमारे सेनापति जी चील और कौओं को खिला दिए। झूठ। हाँ, तो क्या तुम बता सकते हो? हाँ महाराज, इनके नाक और कान इस सेवक के पास है, ये देखिए। जो प्रधान जी, और कोई सबूत चाहिए? बेशक, मुझे अभी शक है। क्यों नौजवान, कोई गवाह भी है कि तुमने इनको मारा है? मैं गवाही दूंगा। तुम कौन? वही बूढ़ा मुसाफिर जिस पर इन डाकुओं ने हमला किया था। मेरे सामने इस नौजवान ने इन सब को मौत के घाट उतार। सखी, आजकल के मर्द भी झूठ बोलने लगे हैं। राजकुमारी जी, जमाने ही ऐसा आ गया है, झूठे कहेंगे। बहादुर सिंह, जवाब दो, तुमने हमारे सामने झूठ क्यों बोला? महाराज, मैंने झूठ नहीं कहा। ये बूढ़ा और नौजवान हमें झूठा साबित करके इनाम की 10,000 अशरफियां आपस में बांट लेना चाहते हैं। बेशक अन्नदाता, ये बूढ़ा और नौजवान झूठ बोल रहे हैं। वो डाकू जिसने बड़े बड़े बहादुरों के दांत खट्टे कर दिए, क्या ये अकेला इन्हें मार सकता है? और तुम कितने थे? मेरे साथ 10 सिपाही थे महाराज। ठीक है। हाँ बहादुर नौजवान, इस बारे में तुम क्या कहना चाहते हो? महाराज, इसका फैसला यही हो सकता है। वीर की तलवार जंगल हो या घर, दोनों जगह बराबर चलती है। आप इन्हें आज्ञा दीजिए, 10 के 10 मेरे मुकाबले पर आए। हाँ ये भी ठीक है। बहादुर सिंह, हम तुम्हारा और तुम्हारे इन सिपाहियों का इम्तिहान लेना चाहते हैं। निकालो तलवार, बढ़ो आगे, इन लाशों को यहां से हटा दिया जाए। हे भगवान,
मेरे लाल का प्राण दिवा आज क्यों थरथरा रहा है? ओह, एक के मुकाबले में 10? तुम 10 और ये 1, अगर तुम्हारी फतह हुई तो नौजवान मरने ना पाए। हाँ नौजवान, अगर ताकत और तलवार ने तुम्हारा साथ दिया तो हमारा भी कोई सिपाही मरने ना पाए। महाराज, अगर इन्होंने दुश्मनी से काम ना लिया तो? हमें उम्मीद है कि हमारे सेनापति और सिपाही धर्म का दामन ना छोड़ेंगे। हमें तो सिर्फ झूठ और सच देखना है नौजवान। देखते क्या हो मेरे बहादुरों, इज्जत का सवाल है। चलो देखिए सेनापति जी, ना हम वहां लड़े थे और ना अब यहां लड़ेंगे। जितना सुंदर है उतना ही बहुत। नौजवान, धन्य है तुम्हारी वीरता को कि तुमने इतनी तलवारों में भी अपनी तलवार का सिक्का जमा दिया। प्रधान जी, वो इनाम इस बहादुर नौजवान को दिया जाए। आज से हम इसे अपने दरबार में शामिल करते हैं, इसके रहने सहने का खास इंतजाम किया जाए। जो आज्ञा। राजकुमारी जी, आज आप बहुत उदास हैं। कहीं तबीयत तो जलहट तबीयत खराब है इनके दुश्मनों की, तो फिर क्या बात है? याजने चुप क्यों लग गई है? ऐसा ही होता है पगली, जब दिल बोलता है तो जबान खामोश हो जाती है। अच्छा तो ये बात है, बड़ा ही भाग्यवान है वो मुसाफिर जिसने हमारे राजकुमारी जी का दिल। अब दिल कहाँ रहा चपला, अब तो दिल की जगह दहकता हुआ अंगारा है जो मेरे तन मन को भूखे डाल रहा है। हाय, दिल आया भी तो किस पर, नजर टकराई भी तो कहां? वो एक आवारा मुसाफिर और आप इतने बड़े राजपाट के राजकुमारी। प्रेम का देवता अंधा है। ये लो, वो आ गए। अरे हाय राम, अब क्या करूं मैं? इसने करने धरने की क्या बात है, कुछ वो चल के आए हैं, कुछ दो चार कदम आप आगे बढ़िए। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं मालूम है जनाना बाग है? नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं तो अजनबी हूँ, क्षमा चाहती हूँ। मैं कहती हूँ चले जाओ यहाँ से। जाओ। जाता हूँ। मोहब्बत पहली ही मुलाकात में गरीब को डांट दिया। हैं? ये यहां क्यों? होशियार हो जाओ शेर सिंह जी,
तुम्हारी बचपन के साथी राजकुमारी इसकी वीरता और सुंदरता पर बुरी तरह मर मिटी है। राजकुमारी कहाँ है? और सब तो चली गई है, सिर्फ दो सहेलियों के साथ बाग में बैठी है। देखो चपला, अगर तुम मेरे कहने पे चली तो माला माल कर दूंगा। आज शाम को तुम मुझसे मिलो। अरे तूने तो बेकार ही मेरे सिर में फूल लगाए थे। क्यों? फूल मेरे बालों में नहीं, ये तो बाग में अच्छे मालूम होते हैं। क्या कहा राजकुमारी जी, जरा ऐना तो देखिए, अगर तिल अपने आप पर नहीं आ जाए तो मेरा जिम्मा। लाओ ऐना। नहीं, जिन्हें अपने हुस्न पे भरोसा होता है वो आईना नहीं दूसरों का दिल देखते हैं। आप? हाँ, क्यों? कुछ नहीं, मगर ये ठंडी सांसें क्यों भरी जा रही हैं? अगर बचपन का साथी फूल के बजाय हाथ पर दहकता हुआ अंगारा रख दे तो क्या मैं सिसकी भी ना भरूं? मुझे जाने दीजिए। अब हम इतने गए गुजरे हैं कि तुमसे दो घड़ी बात भी नहीं कर सकते। बचपन बीत गया मगर तुम्हारी शरारतें ना गईं। बचपन, हाय वो भी क्या दिन थे जब मैं रेत के घरोंदे बनाया करता था और तुम उन्हें लात मार कर तोड़ दिया करते। अब भी तुमने कोई रेत का घरोंदा बनाने की कोशिश की तो मैं उसी तरह ठोकर मार कर तोड़ दूंगी। शोभा, तुम मेरी आशाओं से खेल रही हो, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। मुझे मालूम है, तुम जैसे बुरे आदमी से अच्छे अंजाम की उम्मीद भी नहीं की जा सकती। अच्छा तो देख लूंगा। मैं भी कोई अंधी नहीं हूँ भाई, मैं अपनी होने वाली चूरू की सौगंध खाकर कहता हूँ, अब मैंने तो नहीं सोचा था कि अपना बहादुर सिंह इतना बुजदिल निकलेगा। अरे भाई, सच के आगे झूठ नहीं टिक सकता। अरे इसीलिए तो मैंने लड़ने से इनकार कर दिया, अब वरना तुम तो जानते हो कि मैं अरे काम के न काज के दुश्मन है अनाज के। अरे ये झूठों का सरदार इधर किधर? चलो फिर चल के देखें। देखें, चलो। मर्दों के नाम से कानों पे हाथ धरने वाली राजकुमारी अब बुरी तरह गिर चुकी है। तुम साये की तरह हर वक्त उसके साथ रहो और एक एक पल की मुझे खबर दो। जब तक इस पत्थर को रास्ते से न हटाओगे तुम्हारी कामयाबी की कोई आशा नहीं। तो मैं उसे इस दुनिया से हटाकर ही दम लूंगा। किसे इस दुनिया से हटाना चाहते हो शेर सिंह? उसे जिसने भरे दरबार में तुम्हें नीचा दिखाया और अब मेरे रास्ते का पत्थर बना हुआ। अगर उसे मिटाना चाहते हो तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तो आज ही रात को उसके सीने में खंजर बिठा दिया जाए। मिलाओ हाथ। सुनिया, तो क्या परदेसी का सफाया? अरे हमारे होते हुए कौन समाया कर सकता है? अरे भगवान तेरा भला करे। अरे ये काम के ना काज के। अरे इसीलिए तो कहता हूँ ये सब दुश्मन है अनाज के। हमने अपने फैसले से राजकुमारी को भी आगाह कर दिया है। आखिर सेवक भी तो सुने कि सरकार ने क्या फैसला किया है। हमारा फैसला अटल है प्रधान जी। हमने राजकुमारी से भी साफ साफ कह दिया है कि अगर उसे राजकुमारों की तस्वीरों में से कोई तस्वीर पसंद आई तो ठीक, वरना फिर हम अपनी इच्छा अनुसार पूर्णमासी के शुभ अवसर पर जिससे चाहेंगे उसके साथ उसका विवाह कर देंगे। काम के न काज के और ख्वाब तख्तो ताज के। वाकई अगर राजकुमारी ने किसी को पसंद ना किया तो हम वादा करते हैं कि शेर सिंह से उसका विवाह करेंगे। नजर टकराई दिल ये किस पर आया, कहां मैं कहां दिल ने कहां उलझाया, कहां नजर टकराई दिल ये किस पर आया, कहां मैं कहां दिल ने कहां उलझाया।
किस पर आया, वो कहां मैं कहां दिल ने कहां उलझाया। नजर टकराई दिल ये किस पर आया, वो कहां मैं कहां दिल ने कहां उलझाया। किसका मुंह देख लिया, सगर उस तरफ गया तो आप मिली, शाम को इस तरफ आया तो फिर आप मिल गई। फूल कितना सुंदर है, पसंद है आपको? बेशक, तो लीजिए। जिन्होंने आपके सामने तलवार नहीं उठाई। अच्छा, तो तुम वो कायर सेनापति बहादुर सिंह के साथी हो? जी हाँ, वही वही काम के ना काज के दुश्मन है अनाज के। चुप रहो। सच सच बताओ, किस नियत से तुम दोनों यहाँ आए हो? एक बात करनी है। क्या बात है? वो बात ऐसी है, कहे तो माँ मारी जाए, नहीं तो बाप कुत्ता खाए, इसीलिए तो सोचना पड़ता है कहे या न कहे, क्योंकि हम ठहरे सेनापति के नौके, उस पर भी हम काम के न काज के दुश्मन है अनाज के। उल्लू बेवकूफ, निकल यार। आज रात को कुछ होने वाला है। अच्छा जी चले, पे लगी जाका। अच्छा, ये बात है। जिसने तुम्हारा नाम कायर सिंह के बजाय बहादुर सिंह रखा, अब नहीं बच सकता है तू। वो तो अभी देख लेंगे कौन बचता है और कौन मरता है। ओ शेखी खोरे, दरबार में तो बच गया था मगर
राजकुमारी जी, ये क्या है? जहरीले फूलों का रस, यानी विष? नहीं, अमृत। छोड़िए, फेंक दीजिए इसे। अमृत, फूलों के रस, खाक का मेरा कफन और तेरा बिल्लोरी है, दोनों सो जाएं गले लग के, की मजबूरी है। शोभा, माता जी। नादान लड़की, ये क्या कर रही थी? आत्महत्या। कारण? मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं बता सकती माता। तुम्हें कुछ मालूम है? महारानी जी, राजकुमारी जी किसी के तीरे नजर से घायल हो चुकी है। कौन है वो? वही महाराज का नया नौकर सुंदर सिंह। सुंदर सिंह, राजकुमारियों के नाम को पट्टा लगाने वाली, ये मैं क्या सुन रही हूँ? माता जी, तुम्हारे सुनने से पहले ही मैं खुद मर जाना चाहती थी, मगर अफसोस, दिल की तरह मौत ने भी मुंह फेर लिया। तन्हाई, शोभा, तुम्हारी और उसकी कभी मुलाकात हुई है? कई मर्तबा माता जी। मिल गया तलसुम
बैठी हो राजा? चलो भैया होशियार हो जाओ, वो सिपाही आ रहे हैं। अरे ये तो भाग रहे हैं, पकड़ो इन्हें। अरे भैया अभी इधर से भी आ रहे हैं। अरे तो देर क्या, निकलो इन्हें।
गया दिल का दिया तो चांदनी को क्या करूं, टूट गया सारा चमन तो एक कली को क्या करूं, बुझ गया दिल का दिया। बुलबुल निसार होता है गुल हाय बाग पर, किसने अदाई लिखा है, मैं पूरा करता हूं इसे। बुलबुल निसार होता है गुल हाय बाग परवाना जान देता है जलकर चिराग पर। अब पूरा हुआ, बुलबुल निसार होता है गुलहाय बाग पर, परवाना जान देता है जलकर चिराग पर। बेशक अब पूरा हुआ। जरा सुनिए राजकुमारी जी, ये तुमने क्या लिखा है जी? ये तो किसी ने आधा शेर लिखा था, मैंने पूरा कर दिया। ये क्या लिखा है जरा पढ़कर तो सुनो। बुलबुल निसार होता है गुल हाय बाग पर, परवाना जान देता है जलकर चिराग पर। ये परवाना क्यों जान देता है? ताकि चिराग का नाम हो। जवाब तो ठीक है। क्या तुम लोगों ने अपनी आंखों से देखा है? हमने अपनी आंखों से देखा और कानों से गाना सुना, तभी तुम महाराज को खबर देने आए। हाँ महाराज, ये बात है तो चलो। अब तो मरने के बाद ही जुदा हो सकते हैं। राजकुमारी, गरीबों के पास मखमली गदेले और हीरा मोती नहीं होते। मेरे मन के देवता, बेशक मुझे भी कभी इन चीजों पर गुरूर था, मगर जब आंख खुली तो मन ने पुकार कर कहा कि पगली, वफादारी के चिराग अमीरों के महलों में नहीं बल्कि गरीबों की झोपड़ी में जगमगाता है। मगर ये भी याद रहे राजकुमारी कि गरीबों का चिराग अमीरों की फूंक से बहुत जल्दी बुझ जाता है। आग बुझाने वाले आ रहे हैं। क्या मतलब? वो नमक हराम महाराज को लेकर आ रहा है। आने दो, मैं अपनी तकदीर का फैसला कर चुकी। राजकुमारी जी, गरम गरम खाने से मुंह जल जाया करता है। तो फिर क्या करें? सुनो, जल्दी चलिए महाराज, कहीं ऐसा ना हो कि वो बदमाश भाग जाए। ये देखिए महाराज, आज चोर पकड़े गए महाराज। मेरे मन मंदिर के देवता, ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम कितने सुंदर हो। शोभा, कौन? पिताजी, ये क्या? वो कहाँ है? कौन पिताजी? बहादुर सिंह और शेर सिंह ने हमें खबर दी कि बाग में तुम्हारे साथ सुंदर। पिताजी, ये इल्जाम लगाकर हमको बदनाम करना चाहते हैं। बाग के चारों तरफ पहरा है, सुंदर सिंह कैसे आ सकता है? ये भी ठीक है। शेर सिंह, बहादुर सिंह, जवाब दो, कहाँ है सुंदर? महाराज, वो पूरा करके दिखाऊंगा। आइए माली की झोपड़ी में। आओ।
भाई आज क्या तो यहीं सो लेते हैं, सुबह देखा जाएगा। तो फिर बैठ जा भाई, बैठ जाओ। हाँ बैठ जा, बैठ जा। अब भैया अब मैं सोता हूँ। अरे तू जरा, अरे तू बस। क्यों क्या हुआ? पहले बोने को बुला, बोने को। बोने को क्यों? अरे ये फिर बताऊंगा मैं तेरे को, पहले उसको बुला। हाँ तो बताओ बुला। कौन महाराज? महाराज गरीब की झोपड़ी में। शेर सिंह महाराज कहाँ है वो? कौन महाराज? महाराज झूठा मक्का, जिसने हमारे कपड़े उतारे उसके कपड़े हमको चाहिए। अच्छा अभी आए? महाराज मैंने अपनी आंखों से देखा है उन्हें और कानों से उसका गाना सुना। तुम झूठ बोलते हो। इस पे भी अगर झूठ बोलूं तो इस दुनिया में भूखा और नंगा। अरे ए, ए भगवान ये क्या? अरे भगवान क्या बात है? अरे भागो भैया, तुम्हारी नियत का फल। बेईमान झूठे। मुश्किल के साथ तुम्हारी भी आसान होगी। अरे मेरी मुश्किल तो आसान होगी लेकिन मेरी मुश्किल का क्या? नमस्ते काका। ये खोलेगा कौन? ये खोलेगा कौन? मेरी नानी है। तुम दोनों जाओ और अपनी बहादुरी का सबूत दो। हमें देखना है कि किसके नसीब में फतह लिखी है। काम के ना काज के, ये दोनों हैं दुश्मन अनाज के। वीर सिंह और वीर सिंह, इनको तो महाराज ने बंदी खाने में डाला था। ये बंदी खाने से भाग निकले हैं। सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इनको। हेलो महाराज, इन्हें बंदी खाने में क्यों डाले? हमने इन पापियों का साथ छोड़कर तुम्हारा साथ क्यों दिया? इसलिए हमें महाराज ने बुरा बना दिया। कुछ भी हो मुजरिम आजाद नहीं रह सकते। सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इन्हें। अच्छा तो देखो मजा है। ठीक ये तुम ठीक नहीं करे, इससे महाराज का अपमान होता है। इन्हें ठीक करो। क्या बात है भैया जी? महाराज इन्हें माफ कर लिया जाए और मेरे साथ जाने की आज्ञा दी जाए। जाओ हमने माफ किया। राजकुमारी जी क्या बात है? वो हीर सिंह और वीर सिंह अजीब तरह का आईना लेकर आए हैं। जिसे सीधा दिखाते हैं तो वह हंसने लगता है और उल्टा दिखाते हैं तो ठीक हो जाता है। ताज्जुब, और क्या हुआ दरबार में? दरबार में जैसे ही सुंदर सिंह बीड़ा उठाने लगे इतने में शेर सिंह भी लपका और दोनों ने तलवार खींच ली। फिर क्या हुआ? महाराज ने दोनों को हुक्म दिया कि दोनों में से जो कामयाब होकर आएगा उसी के हाथ में राजकुमारी जी का हाथ दिया जाएगा। अरे भैया ये बीड़ा तुमने किस बात का उठाया? तुम नहीं समझे? नहीं, दोनों बुद्धों के बुद्धू रहे। सुनो, महाराज ने राजकुमारी शोभा की शादी के लिए ये शर्त रखी है कि जो कोई जादू अंगूठी और बोलती मैना जो बीते दिन और आने वाले समय की खबर देती है उसे ले आएगा, उसके साथ राजकुमारी की शादी हो जाएगी। भैया अब फिर तो मार लिया मैदान। गोल रे गोल खेल रहे। शैतान की खाला आ रही है। शैतान की खाला। अरे तो चलो वहीं उसे रोके। आजा आजा। अरे भैया यही बीतने की जड़ है। मौका अच्छा है, संभाल लो। ठहरो। क्या है? अरे कह दो भैया। राम जाने मुद्दत से कहने को थे। तुम्हें देखिए। अरे जी मेरा क्यों करता है? क्यों करता है? किससे बातें कर रहे हैं? जानते हो कि मैं कौन? याद रखो कहीं मैं तुम्हारे लिए मुसीबत न बन जाऊं। मैं तुम्हारे लिए क्या आपको उम्मीद है कि ये शर्त आप पूरी करेंगे? सारी दुनिया उम्मीद पर कायम है। लेकिन मुझे डर है, बेमान शेर सिंह ने भी बीड़ा उठाया है। राजकुमारी तुम्हारी मोहब्बत और माता जी के आशीर्वाद दोनों मेरे साथ है, इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि शेर सिंह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अरे ये शैतान के बच्चे यहाँ भी मौजूद हैं। मगर ये दासी से क्यों उलझ रहे? करने दो कुछ भी,
नहीं तो ये मुसीबत हमारे गले पड़ जाएगी। मगर हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। अच्छा तो तुम उधर जाओ और मैं राजकुमारी से मिलने जाता हूँ। हमने कह दिया तुम नहीं जा सकते। अरे ठीक है भैया, और इसे ये भी कह दो कि हम दोनों बहुत जले हुए हैं। हम दोनों बहुत जले हुए हैं, क्या कर बैठे कुछ नहीं कह सकते। तुम दोनों क्या करोगे? क्या करेंगे ये देखने देती है। देख देख लेकिन राजकुमार मैं गरीब। लेकिन गरीब का दिल आईने की तरह साफ होता है। आखिर चोर पकड़े गए ना। कैसा चोर? ये जो सामने खड़ा है, क्या आप भी मेरी आंखों में धूल झोंकना चाहती हो? शेरसी जबान बंद करो। ओ मक्का। मालूम देती है महाराज। हीर सिंह और हीर सिंह, ठीक है आओ। ये भैया, उसकी खबर लो, अभी लेता हूँ। तुम इसे संभालो, मैं भी आया। अरे ये इन्हें क्या हो गया दीवान जी? ये तो वही बीमारी मालूम होती है महाराज। शोभा ये क्या? पिताजी ये सब शेर सिंह की मेहरबानी है। काम के ना काम के, हम दोनों दुश्मन हैं। क्या बात है। शेर सिंह, भादर सिंह, सुंदर सिंह, तुम लोग जनाब आपने क्यों आए? महाराज ये शब्द पूरी करने से पहले राजकुमारी से मिलने यहाँ आया, इसे देखकर मैं भी चला आया। शोभा को बचाओ, बचाओ मेरी बेटी को। महाराज आप घबराइए मत, ये जरूर कोई जादूगर था। मैं उन चीजों के साथ राजकुमारी को भी लेकर आऊंगा। हम इस काम का बीला उठाते हैं महाराज। जाओ तुम लोग दोनों जाओ। पिताजी मुझे बचाओ, मेरी रानी कहाँ है?
कोई मुझे करवट तो दिला दो। अरे धीरे धीरे, अरे कहीं मेरी टांग टूट न जाए। धीरे रखिए महाराज, धीरज कहीं जन्म में एक दिन का दुख हो, दो दिन का दुख हो तो सहा भी जाए। यहाँ तो पूरे 14 बरस हो गए हैं ज्योतिषी जी, आज ही का मनोज दिन था, मेरी नन्नी मुन्नी पुत्री 2.5 बरस की बेटी रंभा को उठा कर ले गई। इसी दुख में रोते रोते रंभा की माँ भी चल बसी और मेरे शरीर की रोते रोते ये दशा हो गई है कि सारी हड्डियां शीशे की हो। वाह भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। सुनिए सरकार, इस शुक्रवार को पूर्वी दरवाजे से एक परदेशी शहर में प्रवेश करेगा और वही आपका इलाज करेगा। क्या सच? मेरी विद्या और आपकी हस्तरेखा यही बतलाती है, आगे भगवान जाने। मंत्री जी, आज ही से पूर्वी दरवाजे पर पहरा बिठला दो, जैसे ही वो परदेशी शहर में प्रवेश करे उसे फौरन यहाँ ले आओ। जो आज्ञा महाराज। करना चाहती हूँ। रांगा, मृत्यु लोगों में बड़े बड़े देवता पैदा हुए, वो अगर चाहते तो अपना शरीर बदल सकते थे, परंतु ईश्वर के बनाए हुए कानून को वो भी ना तोड़ सके। वो तो ना तोड़ सके, मगर माता तुम्हारी ये दासी इस कानून को तोड़कर मौत के देवता को भी धोखा देकर दिखाएगी। रांगा, जितना तुम मौत से दूर भागना चाहती है उतना ही मौत तेरे नजदीक आ रही है। क्या कहा माता? मौत मेरे नजदीक आ रही है? हाँ। मेरी मौत किसके हाथ से? अपने मिटाने वाले को देखना चाहती है तो ले देख। ये है मेरी मौत? हाँ। ये खूबसूरत खिलौना मुझे क्या मिटाएगा? माता, अगर तुम मुझे रास्ता बता दो तो ऐसे खिलौने का तोड़ना मेरे बाएं हाथ का काम है। रांगा, मैं फिर कहती हूँ कि तू तबाही की तरफ जा रही है। माता, मैं अपनी तमाम सेवा के बदले आज यही एक चीज मांगती हूँ। अच्छा, तू सेवा का बदला चाहती है? तो जा, पूर्णमासी के दिन जब सूरज सर पे हो, पद्मनी रात की कुंवारी कन्या मेरे चरणों की भेंट चढ़ा। मगर माता, इस जमाने में कौन है ऐसी? शामगढ़ की राजकुमारी शोभा। बहुत अच्छा, जाओ शामगढ़ की राजकुमारी को उठा लाओ। आप लोग कौन? कहां से आ रहे हैं? हम लोग श्यामगढ़ से आए हैं और आपके महाराज के मेहमान। आप हैं श्यामगढ़ के प्रधान पुत्र शेर के और आप हैं श्यामगढ़ के सेनापति बहादुर सिंह। तब तो आप लोग वो नहीं। कौन नहीं है?
राजगुरु के कहने के अनुसार आज एक परदेसी यहाँ आएगा जो महाराज का इलाज करेगा। महाराज का इलाज करेगा? क्या हो गया महाराज? अपनी पुत्री के वियोग में रोते रोते उनकी हड्डियां शीशे की हो गई। शीशे की हो गई है? और आज तक कोई इलाज न कर सका? ऐसे तो बहुत से वायदा है, पर जब इलाज न कर सके तो उनकी गर्दन मार दी गई। गर्दन मार दी गई? हाँ। घबराइए नहीं, हम तुम्हें एक ऐसे खानदानी वैद्य का पता बताते हैं। मगर जरा उसमें बचपना है, जब तक के 100 जूते न खा ले अपने वैद्य होने की हामी नहीं। वो देखो वो आ रहा। वो नौजवान खानदानी वैद्य है। हाँ पता हमने दिया है, अब तुम जानो और तुम्हारा काम। धन्यवाद भाई, धन्यवाद। चलो भैया। पधारिए पधारिए वैद्यराज जी, पधारिए, आप ही का इंतजार था। भैया ये क्या मुसीबत है? मुसीबत कुछ? ए भाई साहब, आपका दिमाग तो ठिकाने है। आप किसे वैद्यराज कह रहे हैं? उसे तो खानदानी वैद्यराज होने पर भी जब तक जूते ना पड़े अपने आप को वैद्यराज होने की हामी नहीं पर। समझा? इन मकारों ने चाह तो अच्छी चली है भाई, अब तो हाँ मान लेने में भलाई है। अच्छा भाई साहब, आपको क्या तकलीफ है? मुझे कोई तकलीफ नहीं है वैद्यराज जी, हमारे महाराज की हड्डियाँ शीशे की हो गई हैं। समझे? महाराज की हड्डियाँ शीशे की हो गई हैं? अरे ये तो नई मुसीबत है। अच्छा भाई साहब, मैं वैद्य, मेरा नाना वैद्य, मेरा दादा वैद्य, मेरा खानदान वैद्य। आप आए रास्ते पर, सच कहा है किसी ने, लकड़ी के तान मकड़ी नाचती है। चलो ठीक कह रहे हैं। तुम लोगों ने शामगढ़ का कोना कोना तलाश किया पर कहीं राजकुमारी शोभा का पता नहीं लगा। ये लोग उसका पता नहीं लगा सकते। क्यों? इसलिए कि वो मेरी कैद में। तुम्हारी कैद में? हाँ, जब तुमने और रंभा ने मेरी खुशामदों का कोई जवाब नहीं दिया तो मैंने उस मैना से जो बीते दिन और आने वाले समय की खबर देती है मालूम किया कि एक दिन तुम्हें शामगढ़ की राजकुमारी शोभा की जरूरत पड़ेगी, तो मैं उसे उठा लाया। समझी, इसलिए तुमने लाकर उसे कैद किया। अगर तुम उसे हासिल करना चाहती हो तो रंभा का हाथ मेरे हाथ में देना होगा। सियालू, रंभा मेरे अंधेरे घर का चिराग है और वो चिराग तुझ जैसे जालिम के हाथ में देना नहीं चाहती। किसे बना रही हो? रंभा तुम्हारी बेटी नहीं, सुंदरपुर के महाराज अर्जुन सिंह की बेटी है, जिसे तुम अपने बांझपन का दाग मिटाने के लिए उठा लाई थी, जिसके कारण उसकी माता उसी वक्त मर गई और पिता आज तक एड़ियां रगड़ रहा है। आखिर तुम्हें मालूम हो ही गया। अच्छा, अगर तुम्हें रंभा चाहिए तो वो नौजवान जिसके हाथों महादेवी ने मेरी मौत बतलाई है, वो और राजकुमारी दोनों को मेरे हवाले कर दो। मुझे मंजूर है, आओ उस बोलती मैना से उसका पता पूछे। देखो संभाल के, अरे टूट न जाए। महाराज महाराज जी, क्या हो गया है आपको? अरे भाई मेरी हड्डियां शिकी हो गई हैं। हो गई? फिर तो टूट जाएंगी। महाराज को ये बीमारी कब से है? ये बीमारी तो वर्षों से है, मगर आज तक कोई इनका इलाज नहीं कर सका। नहीं कर सका? रोहित जी मेरा दूसरा हाथ उठाकर ऊपर रख दीजिए, इलाज कोई नहीं कर सका। भैया बीमारी बीमारी कुछ नहीं है, खाली वहम है वहम। अच्छा, तो वहम का इलाज हमारे पास है। महाराज अगर आपको मुझसे इलाज कराना है तो मेरी चार शर्तें मंजूर करनी पड़ेंगी। जल्द बता, मुझे सब मंजूर है। मंजूर है तो एक चाबुक, एक लाठी और चंद बाजे वाले मंगवा दीजिए। मंत्री जी, जो कुछ ये मांगते हैं सब फौरन मंगवाइए। जो आज्ञा महाराज, मगर चाबुक किस लिए? चाबुक शीशे की गर्द झाड़ने के लिए। और लाठी? लाठी शीशों को नरम करने के लिए। और ये बाजे वाले? बाजे वाले चूंकि बात ये है कि इलाज के वक्त दर्दी को थोड़ी तकलीफ होती है तो चिल्लाता है, तो बाजे बजते रहेंगे महाराज की तबीयत बहल जाएगी। क्या बात है, वाह तबीयत बहल जाएगी।
शेर सिंह, हमने उन बदमाशों को फंसा तो खूब दिया, वो महाराज का इलाज न कर सकेंगे लिहाजा मारे जाएंगे, और अगर यहाँ से बच गए तो रास्ते में खात्मा कर दें। तो चलो महाराज से मिले और उनका अंजाम भी देख लेते हैं। चलो। जैसे जैसे वीर सिंह का हाथ उठता जाए वैसे वैसे बाजे और भी जोर से बजाते जाना, समझ गए हैं बेटा? अच्छा जाओ, बाहर खड़े हो जाओ। वीर सिंह तुम दरवाजे पे खड़े हो जाओ और महाराज आप भी तशरीफ ले जाइए। ये क्यों? जैसे शीशा पिघलता जाएगा मुमकिन है किसी के शरीर में प्रवेश कर दे और लेने के देने पड़ जाएंगे। आप तशरीफ ले जाइए। जा। हाँ तो हिर सिंह तैयार? बिल्कुल महाराज। तो आपका इलाज शुरू किया जाए। अरे भाई जल्दी करो ना। हाँ हिर सिंह बाजा बजाओ। अच्छा बाजा बजाओ।
लोग इतनी दिलेरी से काम न लेते तो मेरे वहम का इलाज नहीं हो सकता। मगर महाराज, ना किसी की इतनी हिम्मत पड़ती ना आप ठीक होते। मगर महाराज, जिन लोगों ने आपका इलाज किया है वो तीनों जादूगर। कौन? हमारे मेहमान? जी हाँ महाराज, श्यामगढ़ के प्रधान पुत्र और सेनापति। शेर सिंह, तुम्हें कैसे मालूम कि वो लोग जादूगर हैं? महाराज, इन लोगों ने श्यामगढ़ के दरबार में भी गड़बड़ मचाई थी और यहाँ आपके सिपाहियों को भी पागल बना दिया है। पागल बना दिया? को सजा मिलनी चाहिए महाराज, वरना आपकी राजधानी का सत्यानाश कर देंगे। हम कर देंगे या तुम? वीर सिंह, दिखाओ या आईना और कर दो इनको ठीक, ताकि ये गवाही दे। अभी ना बोलो, तुम्हारी ये हालत किसने बनाई? आपके मेहमानों ने। मगर महाराज, ये आईना तो इन्हीं का है। आईना इन्हीं का था? प्रधान जी, महाराज, जिसके पास ऐसी चीज हो क्या वो मेरी पुत्री का पता नहीं लगा सकते? क्यों नहीं महाराज, क्यों नहीं, क्यों नहीं? तो तुम लोग कहाँ जाने के लिए निकले हो? महाराज, बोलती मैना और जादुई अंगूठी लाने के लिए हम घर से निकले हैं। जादुई अंगूठी? जादुई अंगूठी? तब तो मेरी पुत्री, जिसे बचपन में जादूगरनी उठा कर ले गई थी। आप घबराइए मत महाराज, अगर ईश्वर ने चाहा तो बोलती मैना और जादुई अंगूठे के साथ हम उन्हें भी ले आएंगे। बोल मैना, कहाँ है वो नौजवान जिसके हाथों महाकाली ने रांगा देवी की मौत बताई है? वो है अम्मा के पिता के महल में और रंभा को लाने के सोगन खा रहा है। मेरी रंभा को ले जाने की सोच रहा है? रांगा देवी, तुम राजकुमारी को लेकर चलो, मैं भी उसे लेकर आता हूँ। आपका बड़ा उपकार। ये कौन? अरे तू कौन? अरे ये तो वही जादूगर है। जाओ इसे तहखाने में बंद कर दो। वीर सिंह, अरे हम तो रनवे हो गए। अरे भैया, हमारे शादी को वो जादूगर ले गया। अब फिर तो पता पूछना ही पड़ेगा। हाँ, पूछना ही पड़ेगा। नाम क्या है? हमारे महाराज को कौन ले गया? श्यालू महाराज। श्यालू महाराज कहाँ? कामरू देश में। ये कहाँ है? ये वही जादुई अंगूठी और रोना राक्षस। इसे हासिल करना चाहिए। टिंगू? तो फिर वो लंबू कौन था? महाराज, ये वही जादूगर था जो श्यामगढ़ की राजकुमारी को उठा कर ले गया। तो फिर मेरी पुत्री का क्या होगा? मेरी पुत्री का क्या होगा? घबराइए नहीं महाराज, उसे हम छुड़ा कर ले आएंगे। यह है इंसानी रूप में तुम्हारी मौत। यह है हमारी मौत? अरे भैया, ये हम लोग कहां फंस गए? भैया, साधु महाराज। आदेश सुनील, आदेश। आदेश बच्चा, आदेश। सिपाही की चढ़ती रहे और जमादार के बढ़ती रहे। गुरुदेव इस वक्त मौज में है, जिस तरफ बहक गए सो बहक गए, जो मांगना है बच्चा मांग ले। बच्चा डिगमर, महाराज इन्हें भी प्रसाद। जो आज्ञा गुरुदेव। लो बच्चा प्रसाद, भगवान का नाम लेके खा लो। प्रसाद लो बच्चा। आ गया। आता हूँ गुरुदेव, आता हूँ। धन्य हो, धन्य हो गुरुदेव, धन्य हो देव। भैया, मुझे तो नींद आ रही है। मुझे भी ऐसे ही आ रही है। गुरुदेव, हम लोग थोड़ी देर यहाँ सो ले। थोड़ी देर क्या, तुम हमेशा के लिए सो सकते हो बच्चा। महाराज, ये लोग तो गए। तो फिर देर किस बात की?
उठाओ अंगूठी और आईना सटा सीताराम। है ये क्या? कौन मेरी पुत्री रंभा? ये कौन सी नई आफत है? बेशक वही है। तुमने ये क्या किया है रंभा? जानती हो ये कौन है? हाँ ये वो है जिसके हाथों से देवी ने मेरी माता की मौत बताई थी। फिर तुमने इसे क्यों बचाया? माता जी जो मेरी माता के लिए मौत बनकर आया था उसको मैं इस तरह आसानी से न मरने दूंगी। आप इसको मेरे हवाले कीजिए, मैं इसे तरसा तरसा कर मारूंगी। मुझे तुमसे यही आशा थी कि तुम मेरा दुख अपना दुख समझोगी, परंतु ये बड़ा चालाक है। माता जी मैं भी आपके चरणों के प्रताप से कुछ कम नहीं, ये मुझसे क्या चालाकी करेगा। अच्छा इसे ले जाओ और जितनी जल्दी हो सके इसका सर काट कर मेरे पास भेज दो ताकि मैं इत्मीनान का सांस ले सकूं। ऐसा ही होगा माता जी। रांगा ये तुमने क्या किया? क्यों? हर चीज अपनी असलियत की तरफ जाती है। मगर मुझे अपनी पुत्री पर पूरा विश्वास है। मगर मुझे नहीं। भैया ये जगह बहुत ही भयानक मालूम होती है, कहीं हम रास्ता तो नहीं भूल गए? खैर कोई बात नहीं, बुलाओ ना उस बोने को। अरे हाँ अच्छा याद दिलाया। भैया धोखे को धोखा दे गए, अब क्या करें? कोई बात नहीं, आईना तो है अपने पास। हाँ तो चलो चलो। है तेरी ये। तुम्हारा नाम? सुंदर। यालू महाराज आ रहे। अच्छा माफ करना। क्यों पापी तू ही मेरी माता को मिटाने के लिए घर से निकला था? अरे कौन? जालू महाराज। रंभा देवी अगर ये नाजुक कलाइयां थक गई हो तो मैं कुछ मदद करूं? मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं, मैं अपने माता के शत्रु को खुद मिटाऊंगी। अरे तो गुस्से में तुम कितनी सुंदर मालूम होती हो। तुमने फिर वही मजाक शुरू कर दिया, तुम यहाँ क्यों आए? अभी नाराज ना हो, मैं तो इसलिए आया था इसका सर काट कर जल्द से जल्द रंभा देवी के पास भिजवा लो। तुम यहाँ से जाओ, मैं भेज दूंगी। अच्छा जाता हूं। तुम इस आग को क्या जानो? अगर सच्चा प्रेम न होता तो शामगढ़ की राजकुमारी शोभा सुंदरता में रंभा से कहीं ज्यादा। सच्चा प्रेम सुंदरता को नहीं देखता है सियालू। तुम खुद समझदार हो। माता देवी की जय हो। रंभा देवी ने शत्रु का सर भेजा है। मेरे शत्रु का सर मेरे चरणों में? तुमने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है सियालू। ये तो मेरा फर्ज था, मगर हाँ रंगा देवी अब हमारा लगन। घबराओ नहीं, पूर्णमासी के दिन जवान होते ही पहला काम तुम दोनों का लगन होगा। गुरुदेव भैया, अरे भैया, अरे भैया भैया, नसीब की तरह तुम भी मुझे जंगल में छोड़ गए। अंगूठी आईना समझा तो ये वही थे, लेकिन बेटा असली तो छोड़ गए
नकली ले गए। से गुलाल हुए गाल लाल लाल तेरी बहकी बहकी चाल बल खाने लगी के ऐसी बार बार बंके में न करे वार लगे जिया पे कटार जान जाने लगी ओए उड़े नैनो से गुलाल घटा हटा देखे हम भी तो भोला मुखड़ा तेरा होय 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 सांवली सूरतिया से घूंघटा हटा देखे हम भी तो भोला मुखड़ा तेरा चल चल हटे जा रे बाकी दिल में पिया अखियों से जिया पे ना जा तू वो चला ऐसी हो सूरतिया मोहिनी मुरतिया फिर कैसे मन मामा चल जाए ना ऐसे दिल ना उछाल जरा खुद को संभाल लगी जिया की कमाल दिखलाने लगी बिल्कुल ऐसे बार बार बांके ना करे वार लगी जिया पे खटा जान जाने लगी ओए उड़े नैनो से गुला चले गोरिया गुमान भरी चमके बदरवा में जैसे बिजुरी हाय नैया बोले कैसे कैसे बतिया मेरी तेरे दिल की नियत है बुरी ओए ऐसे जो निखर के निकलो संवर के फिर कैसे नियत बदल जाए ना जब से सैया बेईमान बना दिल का मेहमान मेरी नंगी सी ये जान लहराने लगी ओ मिलके ऐसे बार बार बांके नैना करे वार लगी जिया पे कटा जान जाने लगी ओए उड़े नैनो से गुलाल हुए गाल लाल लाल तेरी बहकी बहकी चाल बल खाने लगी मिलके ऐसे बार बार बांके नैना करे वार लगी जिया पे कटा जान जाने लगी ओए उड़े नैनो से गुलाल मनोगंज जाओ देखो क्या क्या है भैया अरे ये तो अपनी तरफ आ रहे हैं निकालो आईना हाँ मेरा आईना अभी लो भैया ये लो क्या बात है मिलती लोग और यहाँ तक ले जाओ इन्हें तहखाने में डाल दो आखिर वो कौन है जिसकी याद तुम्हारे दिल से नहीं मिटती वो जिसकी नजरों ने मुझे इतना सा आला बना दिया है उसका नाम श्यामगढ़ की राजकुमारी शोभा शोभा जिसे सियालू महाराज उठा कर लाए हैं क्या तुम मुझे उसका पता बता सकती हो वो जो बेचारी चार दिन की मेहमान उसका पता पूछ कर क्या करोगे रंबा जानती हो एहसान क्या चीज है एहसान मुसीबत का दरवाजा दौलत और इज्जत को खा जाने वाला रास्ता नहीं नहीं रंबा सुनो क्या एक बार हम मुसीबत के मारों को मिला सकती हो हर काम लालच से किया जाता है जो खुद तुम्हारी दया का भिखारी हो वो तुम्हें क्या लालच दे सकता है मैं धन दौलत के बदले दिल चाहती हूँ
रंभा, मैं किसी की अमानत हूं, आज उसको धोखा दू कल तू। मैं ये नहीं चाहती कि तुम उसे छोड़ दो, लेकिन उसके साथ साथ मुझे भी सेवा करने का मौका दो। रंभा, मेरी शोभा किसी के उपकार को भूलने वाली नहीं। यही उम्मीद अब मेरी जिंदगी का सहारा बनेगी। मैं अपनी जान देकर भी तुम दोनों को मिलाऊंगी। मगर वो है कहाँ? मेरी माता की कैद में। मैं तुम्हें तिलिस्मी हार देकर रास्ता बताती, आ मेरे साथ। ये लो तिलिस्मी हार, इसे पहनकर तुम दुनिया की नजरों से गायब हो सकते हो। लेकिन वो बोलती मैं ना? पहले शोभा को लेकर आ, जब तक तुम नहीं आओगे मैं तारे गिनती रहूंगी। अच्छा ये चला। Nick!
क्या बता सकती हो कि रंभा ने किसका सर भेजा था? मेरे शत्रु का। क्या तुमने नहीं देखा? मैं शत्रु का सर नहीं, तुम्हारी खुशी देख रहा था। आह, धोखा। देख लिया तुमने? रंभा, तेरे साथ सही उम्मीद न थी, गई ना अपनी जात पर। सियालू जाओ, आज से तुम रंभा के जान के मालिक हो और मैं इसका खात्मा अभी किए देती हूँ। जाओ रंभा, आज से तुम आजाद हो। ताज्जुब? किस बात का? एक भेड़िया और इतना रहम दिल। पत्थर के जिगर में नहीं मोहब्बत की आग है रंभा। सच्चा चाहने वाला जिसको चाहता है उस पर जुल्म नहीं कर सकता। जब तुम मुझे इतना चाहते हो तो फिर शोभा को क्यों लाए थे? तुम्हें हासिल करने के लिए। मुझे मालूम हो चुका था कि रांगा देवी को अमर होने के लिए शोभा की जरूरत पड़ेगी, और उस वक्त मैं शोभा को देकर तुम्हारी पालक माता से तुम्हें मांग लूंगा। पालक माता? हाँ। क्या रांगा देवी मेरी माँ नहीं है? नहीं। अच्छी बात है, तो फिर मैं किसकी पुत्री हूँ? जानना चाहती हो तो सुनो, तुम सुंदरपुर के महाराज अर्जुन सिंह की पुत्री हो, जिसे रांगा देवी अपने बांझपन का कलंक मिटाने के लिए बचपन ही में तुम्हारी माता से तुम्हें छीन लाई थी और तिलिस्मी दुनिया में अपनी पुत्री जताकर पाला है। तभी उसने अपनी खुशी के लिए मेरी जिंदगी का सौदा किया। बेशक रंभा। क्या तुम बता सकते हो मेरे माता पिता किस हाल में हैं? अफसोस कि माता तो तुम्हारी जुदाई में रो रो कर उसी वक्त मर गए, लेकिन पिता आज तक तुम्हारी याद में तड़प रहा। महामैया, मेरी रक्षा करना। अगर मेरी सेवा की जरूरत हो तो मैं हर वक्त तैयार हूँ, लेकिन इतना ना भूलो रंभा कि औरत अपनी सेज पर एक फूल का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती, स्वप्न का कैसे कर सकती है। तुम्हारा इशारा शोभा की तरफ है। बेशक रंभा, तुम भी एक औरत हो, अगर तुम्हारी सेज पर बस बस तो समझ लो जो सुंदर शोभा के कारण यहाँ तक आया है वो उसे छोड़कर तुम्हें प्यार नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने चंद्रमा को पकड़ने की कोशिश की, शे मेरी फूल थी। अब मुझे अपने माता पिता का बदला लेना ही होगा। मैं एक शर्त से अपना हाथ तुम्हारे हाथ में दे सकती हूँ। मैं हर शर्त के लिए तैयार। तो फिर मैं रांगा देवी से अपने माता पिता का बदला लेना चाहती हूँ। उसने हमारा घर बर्बाद किया, मेरे माता पिता को बर्बाद किया, मुझे बर्बाद किया। तुम जो चाहो कर सकती हो रंभा। कौन? भीत सिंह? हाँ कमलो। कौन है ये? पकड़ो इसे। आओ बेटे। भैया सुंदर सिंह, चलो भाग के ले। हाँ चलो। कौन? रंभा? हाँ रंभा, मुझे आज पता चला है कि तुम मेरी माता नहीं नागिन। तुमने अपना दिल ठंडा करने के लिए तीन जीवन बर्बाद किए हैं। मैं अपनी बर्बादी और अपने माता पिता का बदला लेने के लिए ही अपनी जिंदगी का चालू से सौदा किया है। ये सौदा मैं जिंदगी में कभी पूरा नहीं होने दूंगी। यहाँ का छिपा है सुंदर सिंह, मैं बुजदिल नहीं। अब मेरे दिल में जीने की कोई तमन्ना नहीं, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। प्रेमी प्रेमी के दुख को अच्छी तरह जानता है सियालू। क्या तुम मुझ पर एक उपकार कर सकते हो? क्यों नहीं, मेरी शोभा कहाँ है? लो देखो, ये निकाली मक्कारों का वार चल गया। अब मुझे क्या करना चाहिए सियालू? घबराओ नहीं, ये तिलिस्मी चीजें मेरे किसी काम की नहीं। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज देता हूँ कि पलक झपकते ही तुम वहां पहुंच जाओ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अब मुझे इसके साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। शेर सिंह, मैंने हर पाप में तुम्हारा साथ दिया है, मगर तुम्हें एक अबला नारी की लाज लूटने नहीं दूंगा। बहादुर सिंह, तुम मेरे रास्ते का कांटा ना बनो, वरना मौत के देवता पर भेंट चढ़ा दूंगा। तू और मुझे भेंट चढ़ाएगा? हाँ। ले।
देखता हूं अब तुझे मेरे हाथ से कौन बचाता है। तुम महाराज को लेकर मैं तब तक इसकी मरम्मत का सोच दिया। पिताजी, अगर सुंदर ना होता तो नमक हराम शेर सिंह ने मेरी लाज। नमक हराम को अपनी करतूतों का फल मिल गया। महाराज शाहबाज सुंदर सिंह शाहबाज। सुबीर सिंह वो बोने को बुलाओ। जी आगे बुलाता हूं। ये जारी अंगूठी, ये बोना राक्षस और ये बोलती महिला जो बीते दिन और आने वाले समय की खबर देती है। धन धन है सुंदर सिंह धन। सुंदर सिंह हम भी अपनी शर्त के मुताबिक शोभा का हाथ तमाम उम्र के लिए तुम्हारे हाथ में दे रहे हैं। अरे भी इन बच्चों में हमारा क्या काम, क्या काम। चलो आओ आओ शादी की तैयारियां करते हैं। वैसे अब यहाँ तुम्हारा क्या काम है। इतनी मेहनत का यही फल। अरे वारी किस्मत।